आज हम आपको NSDL पैन के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे CSC पोर्टल पे NSDL से भी पैन अप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि हमारे सर्विस, आप CSC से ले रहे हैं तो आपके पास CSC ID होना जरूरी है। CSC ID के लिए CSC ID आपके पास, आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएंगे। पैन सर्च करने का ऑप्शन आता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी, ये डिजिटल सेवा पोर्टल पर आप जाएंगे। यहाँ पर NSDL, यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक ऑन पैन सर्विसेज फॉर e-governance इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ब्लॉक। Once clicked, you will be navigated to application for allotment of new PAN. Now, click on Login with Digital Seva Connect button. Over. यहाँ पर आपको न्यू पैन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे, एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल है, आधार नंबर डालेंगे, सरनेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जितने भी आपके स्टाक मार्क हैं ये आवाज नहीं। यहाँ पर आप आधार से डिटेल मैच होनी चाहिए सारी चीजें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल, जैसे आपके आधार पे लास्ट नेम देव, फर्स्ट नेम मनोज, मिडिल नेम मफतलाल, इस तरीके से आपका नाम बिल्कुल एज इट इज आधार से मैच होना चाहिए। डिटेल करेक्ट होंगी, वैलिडेट हो जाएंगे तो आपका ये फॉर्म आगे प्रोसेस होगा। के बाद सारी डिटेल वेरीफाई होने के बाद आप फिल करेंगे।
आपको किसी अदर नेम से जाना जाता है तो यस करेंगे, अगर नहीं जाना जाता है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल डाल के, फादर्स डिटेल डाल के, री एंटर फादर डिटेल, सारी डिटेल फिल करके आप आगे सबमिट करेंगे। फिर रेजिडेंशियल डिटेल, यहाँ पेरेंटल डिटेल मांगेगा। पेरेंटल डिटेल में आप वो डिटेल डालेंगे, अगर मदर ही सिंगल पेरेंट है तो यहाँ पर मदर मदर की डिटेल डालेंगे, वरना फिर आप सिर्फ फादर की डिटेल डालेंगे। मदर की डिटेल डाल के फादर एज अ सिंगल पेरेंट के पर क्लिक करके आप आगे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। एस करेंगे, अगर आप सिर्फ ई पैन चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर बाकी डिटेल फिल करेंगे। आपकी सैलरी क्या है, सैलरी आप सैलरीड पर्सन है, इनकम फॉर्म बिजनेस है आपका, जो भी आपका होता है वो डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस डालेंगे। ऑफिशियल एड्रेस में आप ऑफिशियल एड्रेस नहीं डालना है आपको, यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर आप पैन चाहते हैं वो एड्रेस ही मेंशन करना है। अगर आप कोई ऑफिस एड्रेस पे चाहते हैं तभी आप ऑफिस एड्रेस फिल करें, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ही फिल करें। यहाँ पर एओ कोड मांगता है। एओ कोड यहाँ पर आपकी लोकेशन से के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उठा लेता है, अगर नहीं उठाता है तो नीचे देखिए ऑप्शन में आपको एओ कोड डालने का ऑप्शन रहता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं एओ कोड ऑटोमेटिक उसमें सबमिट हो जाता है। पूरी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन आता है, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, बायोमेट्रिक बेस्ड की ई केवाईसी। यहाँ पर आप बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। आपका बायोमेट्रिक बेस्ड की केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आप, अगर आप ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी करते हैं तो ओटीपी पे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा और इससे आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप थम इम्प्रेशन दे के करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थम इम्प्रेशन के लिए कुछ डिवाइसेस शो करेंगे, मोरफो, ये जो इतनी भी आपकी डिवाइसेस शो कर रही हैं इन्हीं डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप थम इम्प्रेशन देंगे। थम इम्प्रेशन के बाद आपका ये बायोमेट्रिक डिवाइस रजिस्टर डिवाइस मैच हो जाएगा और आपका यहाँ पर फॉर्म पूरी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका एक ओटीपी ऑथेंटिकेट होगा और उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर लेकर आप इसे इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपके पैन का स्टेटस क्या है। एनएसडीएल के माध्यम से पैन अप्लाई करने का प्रोसेस है। धन्यवाद।